Good morning, students. I am Jigjit Singh from SBS College, Patti. Today's topic is mathematical representation of AM. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मॉडुलेशन होती क्या है. तो मॉडुलेशन इज़ ए प्रोसेस बाई विच करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर इज वेरीड. यानी कि यहाँ पे हमने क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं किसके, जो वेव के. ठीक है, यानी कि हमने एम्पलीट्यूड वेरी करना है. ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है. ठीक है, और फेस वेव वेरी करना है. कि किस तरह, किस टाइप की मॉडुलेशन है, तो उसी हिसाब से हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है. तो इसमें क्या है, मैसेज सिग्नल जो है हमारे पास, मैसेज सिग्नल है जो, वो क्या मैसेज सिग्नल है जो हमारा, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी बोल देते हैं. ठीक है, और मॉडुलेटिंग सिग्नल भी बोल देते हैं. ठीक है, बेस बैंड सिग्नल भी उसी को बोल देते हैं, मॉडुलेटिंग. और जो इसके बाद मॉडुलेशन होने के बाद, कैरियर ऐड करने के बाद जो सिग्नल हमारे पास बनेगा, दैट इज मॉडुलेटेड सिग्नल. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे तीनों ग्राफ्स पढ़े थे कि फेस मॉडुलेशन कैसे दिखता है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में क्या होता है वो सारा. तो उसकी आज हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे कैसे वो सारा सिग्नल चलता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसकी डायग्राम्स ड्रा कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है बेस बैंड सिग्नल है. ठीक है, ये हमारे पास को सिग्नल हो गया. ठीक है, जो बेस बैंड सिग्नल है हमारे पास. ठीक है, और वी कैन से दैट मॉडुलेटिंग सिग्नल है, जिसकी हमने मॉडुलेशन करनी है. ठीक है, वो सिग्नल है. उसके बाद में सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, कैरियर सिग्नल आएगा. तो कैरियर सिग्नल क्या है, इट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट, और इट्स हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंड इस इज़ वैल्यू ऑफ इस ई सी. ठीक है, और मॉडुलेशन होने के बाद जो सिग्नल बनेगा, ठीक है, मॉडुलेशन करने के बाद जो सिग्नल हमारे पास बनेगा, दैट इस तरह से वो सिग्नल आएगा. ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ई सी प्लस ई एम उसकी जो वैल्यू रहेगी. ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम होगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, ई सी माइनस ई एम. तो ये कौन सा हो गया, ये जो है ए एम अनवेल्प हो गया. ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस बैंड सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है. ठीक है, और ये हमारे पास मॉडुलेटेड सिग्नल है, यानी कि ए एम मॉडुलेटेड सिग्नल. अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम साइनोसोडियल सिग्नल को हमने रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस, ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस ओमेगा टी. ठीक है, ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस ओमेगा टी. तो इसमें ई एम क्या है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. यानी कि ई एम क्या है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ठीक है, तो ई एम नेक्स्ट जो ई एम है क्या, ये वाला जो ई एम है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पीक एम्पलीट्यूड. यानी कि जो बेस बैंड सिग्नल है उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू. और मेगा एफ एम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई एफ एम. एफ एम क्या होता है हमारे पास, एफ एम क्या है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. तो ये तो हो गया हमारा जो बेस बैंड सिग्नल है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सबसे पहले जो ई एम है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलेटिंग, ये पीक एम्पलीट्यूड, और मेगा एफ एम जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस ओमेगा एम टी.
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई सी इज इक्वल टू ई सी कॉस कॉस ओमेगा सी टी। तो इसमें क्या है, ई सी क्या है, जो ई सी है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो ई सी यहाँ पे क्या है, दैट इज़ पीक ऑफ कैरियर एम्पलीट्यूड, यानी कि पीक वैल्यू कितनी है कैरियर एफ सी है जो, या जो मेगा सी है इसको हम टू एफ सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। तो ये होगा हमारे पास कैरियर सिग्नल, यानी कि दो हमारे पास सिग्नल आ गए, ये हो गया हमारे पास बेस बैंड सिग्नल के लिए, ये हो गया हमारे पास कैरियर सिग्नल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ए एम वेव है, ए एम वेव है उसको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, तो ए एम वेव को हम लिखेंगे ई ए एम, यानी कि ए एम स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, ए कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए कॉस टू पाई एफ सी टी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ए क्या है, ए रिप्रेजेंटेशन इंटस्टेनियस वैल्यू ऑफ एनवेल्प, क्या रिप्रेजेंट करेगा ए, इंटस्टेनियस वैल्यू कितनी है एनवेल्प की, तो वो हमारे पास कितनी है, ए इज इक्वल टू ई सी प्लस ई एम, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, इंटस्टेनियस वैल्यू ऑफ ई सी प्लस ई एम, यानी कि दोनों का जो एड कैरियर और इसका जो एड होके जो एनवेल्प बनेगा उसकी वैल्यू है ई सी प्लस ई एम, ठीक है। तो हैंस जो है हमें ई एम वेव, हैंस ए एम वेव इज, ई एम वेव इज गिवन बाय, तो ई एम वेव जो है हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, तो वो हम देखेंगे, ई एम वेव इज इक्वल टू ए कॉस टू पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे हम फर्दर वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए सी, ये हमारे पास ए एम की वैल्यू, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ई सी इज इक्वल टू ई एम कॉस कॉस टू पाई एफ एम टी इज इक्वल टू कॉस टू पाई एफ सी टी। सिंपली क्या कर देना, हमने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ से, ए की ए क्या है, ई सी प्लस ई एम, और ई सी की क्या वैल्यू और ई एम की क्या वैल्यू, वो सिंपली हमने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ई एम इज इक्वल टू ई सी, ई सी ई सी को क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, वन इज इक्वल टू ई एम ओवर ई सी, ठीक है, कॉस टू पाई एफ एम टी। तो बार ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया कि क्या किया, सिंपली हमने ई सी को कॉमन निकाल लिया, तो जब किसी यहाँ पे ई सी कॉमन आया तो यहाँ पे जो ई एम के नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे ई सी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, और ये वैल्यू सेम एज इट इज़, और यहाँ पे कॉस टू पाई एफ सी टी। तो जो ई बाय ई, यहाँ पे हम एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, ई एम इज इक्वल टू ई एम ओवर ई सी क्या होता है, दैट इज़ मॉडुलेशन इंडेक्स, ठीक है, मॉडुलेशन इंडेक्स, वो फर्दर मैं अभी बताता हूँ कि मॉडुलेशन इंडेक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई ए एम इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, ई सी वन प्लस एम, एम कहाँ से आया, मॉडुलेशन इंडेक्स, इसको जो ई एम बाई ई सी को उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो दिस इज कॉस टू पाई एफ एम टी, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट पे ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूरा जो है, दिस इज़ एक्चुअली है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एम वेव, कि मैथमेटिकल किसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है ए एम वेव की। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडुलेशन इंडेक्स, ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा। तो मॉडुलेशन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मॉडुलेशन इंडेक्स क्या है, और ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडुलेशन, मॉडुलेशन इंडेक्स, मॉडुलेशन इंडेक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ क्या है, मॉडुलेशन क्या है,
ई एम ओवर ई सी। तो अगर हम ई ओवर ई सी तो इसकी बात करें तो एक सी एक्ट के लिए रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल, क्या रेशियो है मॉडुलेटिंग की और कैरियर वेव की, उसको हम बोलते हैं मॉडुलेशन, उसको बोलते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स। तो अगर तो ये हमारे पास ये है, ठीक है, ई एम इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ई सी, तो मॉडुलेशन की वैल्यू जो है वो कितनी वैल्यू रहेगी, बिटवीन 0 to 1। अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है ई एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई सी, तो हमारे पास ये है जो मॉडुलेशन की इंडेक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 रहेगी। बट अगर हमारे पास ई एम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई सी, तो एम क्या हो जाएगा, मॉडुलेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो मेरे ये क्या करेगा, जो हमारा सिग्नल है ए एम सिग्नल है उसकी जो है शेप ख़राब हो जाएगी, क्या कर देगा, उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। यहाँ पे हम जहाँ अनदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ओवर मॉडुलेशन हो जाएगी, तो वो कैसे होगी या कैसे, वो हम सारा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना कि अगर ई एम की वैल्यू ई सी से ज़्यादा बड़ी है तो ग्रेटर मॉडुलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और हमारे पास जो सिग्नल है उसकी शेप जो है ख़राब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।